गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो कि 3 दिन से व्लॉग नहीं आया और आप लोगों का यही सवाल होगा कि भाई 3 दिन से कहाँ गायब थे। भाई पहले दिन तो मैंने डाली थी यूट्यूब पर अपनी वीडियो जो फाइनल पार्ट था, तो मैं उस दिन कोई व्लॉग नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि मेरे को ये था कि आप सब लोग वो वीडियो देख लो, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख लेना। चौथा पार्ट भी डल चुका है, मतलब हरियाणवी छोरा सीजन 2 के सारे एपिसोड डल चुके हैं। अब एक जो गाना अगर मैं शूट करूँगा, मतलब आप लोगों की डिमांड पर, तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, मतलब जो भी है वो पूरा काम हो चुका है फाइनल। दूसरे दिन था इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो उस पर मैं रिस्क ना लेना चाहता। मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच आज सबको एंजॉय करने, तो पता चले तुमने व्लॉग देखा है ना और तुम इंडिया पाकिस्तान मैच में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उस दिन व्लॉग नहीं डाला। और तीसरा, कल मैं फिर गोवा से वापस आ गया था। अब गोवा से वापस क्यों आ गया, मतलब वापस तो खैर आना ही था, मेरे को शूट भी करना और वैसे भी, लेकिन जो मैंने वो जमीन वमीन वाली बसट दिखाई थी, मतलब चीज़ दिखाई थी, उसमें थोड़ी सी बसट सी हो गई, वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारी जो स्कॉर्पियो पे जो हबीबी का जो टैग लग के आना था वो आ चुका है, हबीबी पूरा लिखा हुआ आ गया है। अब अपनी जो स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन होनी थी वो पूरी फाइनल हो चुकी है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल तुम मम्मी के दर्शन कर लो। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी जी नमस्ते। क्या ये क्या काम वाम? अरे मैं तो बाल को तरफ से नमस्ते कर रहा था, मैंने तो कर ली थी कल। यो क्या कर रहे हो मम्मी? साड़ी के पोल लगा रही हूं। ओहो, जिसको नहीं पता उन्हें बता दो मेरी मम्मी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी टेलर हैं, तो किसी को अगर अपने सूट सिलवाने हो या कुछ काम करने हो तो मम्मी को आप ऑर्डर दे सकते हैं। मम्मी बहुत कम पैसे में कर देते हैं। मम्मी कितने रुपए में सूट सिलने करते हैं पहले? हैं बोले बहुत है, बताओ ना सही सही जो बात है वो है। मम्मी ने सारे काम आ गए सिलाई विलाई के, और बहुत ही बजट वाले टेलर ना बताऊं क्या है, ना बताऊं बेइज्जती ना करूं। हाँ तो फिर क्यों शर्मा रहे हो, फिर जो बात है वो है। बताओ भाई किसी ने देना हो कुछ ऑर्डर तो बता देना। मम्मी कुछ खाने का दे दो यार, भूख लग रही बहुत तेज। कल रात ने मम्मी भगवान कसम, मैं पता क्या हुआ, कल रात ने जब मैं आया तो मैंने नू सोची, जब मैं आ रहा था फ्लाइट में था, तो मैं नू सोच रहा था कि घर जाते ही ना, मतलब भूख सी लग रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा कि घर जाते ही मेरे को खाने को मिल जावे। पता हूँ क्या खाने को मिल जावे? आलू गोभी की सब्जी है, और भाई छाए और रोटी। ये मतलब मम्मी के हाथ की जो मैंने जो बढ़िया चीज़ लगे वो बता रहा हूँ, सबकी नहीं मम्मी के हाथ की स्पेशल, ठीक है। और ठंडी रोटी और ऐसे ऐसे करके मैं ये सोच के आया, और जब मैं आया तो रात ने रोटी बना लग रखी थी, मैं क्या ठंडी रोटी मांग लेगा। हाँ तो वही तो भाई मैं आया, आके पहले तो मैंने मतलब एयरपोर्ट पे कुछ खा लिया था, तो मैंने भूख सी इतनी ना लग रही थी, मैंने नोता कि थोड़ा सा कि मैं ना खा रहा अभी ऐसे। मैंने मम्मी ने पूछी मम्मी ने पूछी रोटी खाएगा, मैंने मम्मी भूख ना लग रही अभी, तो मैंने कुछ ना खाया। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद भूख सी लगी, क्योंकि रात ना नींद ना आए बिना कुछ खाए, तो मैंने उठ के गया, मैंने देखा जाके मम्मी सो चुकी थी, मैंने जाके देखा उसमें आलू गोभी की सब्जी चटनी और छाए और रोटी। मैंने कहा ओ भाई, नूनी की भी रखा था। मैंने कहा यार आज कुछ और मांग लेता, आज तो रोटी मांगी मैंने, आज भी जो मांगा वही मिल गया था। तो मैंने सोची मैं क्या यार शिट मिस कर दिया, मैंने चांस कुछ और मिल जाता। मम्मी दूध दाद कुछ दे दो, चाय ना दूध ही दे दो, खुद ही दूध गर्म करना पड़ रहा मम्मी जी आपके होल के चक्कर में। न रुक जाओ मैं कर ही लूं। क्यों आपने कैसे पता मैं दूध मांगूंगा? हाँ तो मेरे दूध पीने का मन कर रहा है। मम्मी गोंद के लड्डू और बना लो यार, गोंद के ना, गोंद के लड्डू इतने बढ़िया लगे हुए टाइट टाइट से हो जाए, जो बेसन के लड्डू रहे ना वे ज्यादा बढ़िया लगे, है ना मम्मी? बेसन के बना लो यार। तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक मैं आपको अपनी दत्तू रानी दिखा देता हूँ। ये देखिए सो रही है अभी तक, है खड़ा होले, 12 बज रहे हैं, शर्म आ रही तेरे? उठा पड़ा हूँ मैं। उठा पड़ा है? फोन पर बात होली मेरी। किस पे? मेंटेनेंस में 2-4 काम हो रहे। ओहो, ये तो मम्मी पूरे दिन काम कर रहा है छोरा, क्या कर रहा है इसका? ये देखो मैंने इसमें दूध डाल लिया था, लेकिन मेरे को दोबारा वापस इसमें डालना पड़ा क्योंकि ये अभी तक गर्म ना हुआ है। मतलब गर्मियों के हिसाब से तो मेरे को लग रहा था कि ज्यादा गर्म होगा, पर जब मैंने डाल के देखा मैंने कहा तो ठंडा पड़ा है, तो इसका मतलब सर्दियां पड़नी शुरू हो गई है। मम्मी ठंड पड़नी शुरू होगी, मम्मी गर्म कपड़े निकाल लो। इसलिए मैं बस गाड़ी की चाबी उठा के निकल लिया हूँ, क्योंकि मेरे को बाल वाल कटवाने हैं, थोड़ा सा बाल वाल सेट करवा के ऑफिस वाली साइड निकल जाऊंगा। और मेरे को आपको वो जो दिखानी है हबीबी कैसे लिखवाई है वो आपको पूरे दिखाता हूँ। अब अपनी गाड़ी में कोई काम होना नहीं है, और अलग से अपना जितना कुछ भी होना था वो सब कुछ हो चुका है, ऊपर लाइटिंग का सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर बाय चांस कुछ छोटा मोटा रह भी रहा हो तो मैं एक बार अभी देख लूंगा। मेरे हिसाब से 99% काम सब कुछ डन है, एक आध छोटी मोटी चीज़ें ठीक करवानी या लगवानी एक्स्ट्रा हुई तो वो अलग बात है।
वैसे तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को नहाए हुए भी 2 दिन हो गए, मतलब कल ना नहाया और आज ना नहाया, कल भी ना नहाया था, हाँ आज भी ना नहा पाया, अभी तक ना नहाया, बाल वाल कटवा कर जब नहा लूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरा नहाने का मन ना करे, पर सीन क्या हो रहा है कि पानी होने लगा ठंडा और मैं ठंडे पानी से नहाया करता अब तक, अब ठंडा इतना होने लगा कि मन सा ना करे और गर्म करने का मैं आलस कर जाऊँ, मतलब वो गीजर वीजर में दबा के वो मतलब घटका ही दबाना रहा है, वैसे गर्म करना और कुछ ना है, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा आलस सा आ जावे, तो इस चक्कर में मैंने कहा छोड़ एक आध दिन में क्या ही फर्क पड़ रहा है। आहा कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा, अभी दिखा देता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड यार यो कैसे, रुको 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 थोड़ी सी और तसल्ली करो, मैं एक काम करता हूँ इनको करके नीचे, ठीक है, और तुम्हें ना गाड़ी बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से दिखा भी ना पाऊंगा और थोड़ा अंधेरा सा रहेगा, तो इस चक्कर में तुम्हें मतलब अंदर का तो मैंने तुम्हें सारा कुछ दिखाई रखा है, बाहर का बस थोड़ा सा रह रहा है, जो वो हबीबी वाला था वो चेंज करवाया, उसमें पहले जो था उसमें ताज सा लग रहा था, मैं बीच में वो अच्छा सा ना लग रहा था, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे गलत सा बन रहा हो, तो अब फाइनल हो चुका है, अब दिखाता हूँ तुम्हें बाहर निकाल के, ठीक है, लेट्स गो गाइस। ठंड का पता नहीं चल रहा है लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है, तो अपना ना मैंने एसी एक पे चल रहा था, इसमें मैंने वो भी बंद करना पड़ेगा, तो सुबह सुबह अपना थोड़ा ध्यान रखेगा, सुबह उठा जाए मैं ऐसे ही उठ जाऊं, अब यो ठंड है सेदने वाली, यो बीमार कर देगी, खांसी कर देगी, और मेरे तो खांसी ऐसे हो गए कि अगर एक बार होगी तो फिर 3-4 महीने में खुल खुल करता ही रहूंगा, मतलब ऐसा ना कि लगातार खांसी, लेकिन ऐसे रहेगी ऐसे नॉर्मल बैठूं फिर एक बार ऐसे होगी, फिर 4-5 मिनट बाद फिर ऐसे होगी, मतलब वो वाली खांसी हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, पहले बता रहा हूं मैं तुम तक। अभी भी बाहर की दुनिया में कदम रखते हुए मेरे साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक काम करता हूँ पहले बाल वाल कटवा लेता हूँ और फिर ना ऑफिस पे जाके फिर वहाँ पे गाड़ी लगा के फिर तुम्हें जब दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, मतलब आगे से जो भी है, क्योंकि जहाँ बाल कटवाने जाऊंगा वहाँ अगर मैं शूट वूट करूंगा ऐसा तो कोई सोचेगा अरे पागल होगा, लगा अपनी गाड़ी देख के भागगा, तो इसलिए वो अच्छा से लगेगा, ऑफिस पे जाकर फिर दिखाऊंगा, पहले बाल कटवा, बाल भी क्या ही कटवाऊंगा, थोड़ी सी मसाज लूंगा, थोड़े थोड़े छोटे करवाऊंगा, बाल मेरे को बड़े करने हैं, मेरा सपना है बहुत टाइम का, नहीं थोड़े छोटे करवाने पड़ेंगे भाई, छोटे करवाने पड़ेंगे, दाढ़ी भी थोड़ी छोटी करवानी पड़ेगी, तो ये जो जबरू लुक है ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, अभी देख लो जितना देखना है, कटवाने के बाद फिर क्लीन चिट नहीं मतलब थोड़े छोटे करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं हेड मसाज वगैरह लेने लग जाऊं, तो मैंने सोचा तुम्हें अभी दिखा देता हूं, ये है अपनी हबीबी की फाइनल लुक, अभी वो मतलब जो पहला थी, जो पहला ऐसी थी HAB, और यहां बीच में लग रहा था वो ताज सा, मतलब वो रानी का, मतलब वो क्वीन का जो भी कह कर उसमें वो जो भी होकर, फिर IBI फिर अच्छा लग रहा था, अब ये अच्छी लग रही है, कमेंट करके बता देना अब अच्छी लग रही है, पहले अच्छी लग रही थी अब ज्यादा लग रही है मेरे को, तो अब ये देख लो, मैं भी देख लो तुम्हारे साथ साथ, ये ऐसी है, मैंने जो पहले तुम्हें इसलिए दिखा दी क्योंकि अब मैं चला जाऊंगा बाल कटवाने और फिर अंधेरा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ढंग से दिख ना पाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें दिखाई दूँ, सही सही बताना कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे को यो वाली लुक ज्यादा पसंद आई, मतलब जब ये पहले फाइनल सी होकर आई थी मैं तभी ये होगा था, मैंने कहा वो भाई साहब आप लग रही है ना गाड़ी पर, बैठते बैठते भी गोड़े में बहुत तेज लगी, गाइस मैं उतर के जा चुका था सैलून पे जाकर बैठ गया था, मैंने कहा भाई वो बाल वाल काट दो, वो उसने वो पल्लड़ सा पहरा दिया मेरे से, उसके बाद मेरा याद आया एकदम से कि आज मंगलवार है, मैंने पता ना इतनी बड़ी गलती हो जाती है, मैंने तो मम्मी तो घर में घुसने नहीं देती, और मम्मी के पता ना मम्मी तो मैंने कही थी सुबह या ना कही, मम्मी सो रही थी ना शायद इस चक्कर में ध्यान ना रहा, लेकिन मंगलवार को बाल कटवाए ना करे भाई, मेरे तो आज पहली बार इतना बड़ा पाप हो जाता तो मैं वापस आ गया, क्योंकि भाई हम तो माने देखो मतलब मम्मी माने तो मम्मी माने तो मैं भी मानूं, तो मैंने ना कटवाए ना मैंने हेड मसाज कुछ भी ना लिया, मैं ऐसे ही आ गया, मैंने कहा भाई मेरे कुछ ना करना मेरे को वापस भेज दो, मैं तुम्हारी दुकान में घुस गया, वही पता ना गलत है या सही है जो भी है, पर चलो घर ही चलते हैं भाई, कुछ ना रखा कल कटवाऊंगा। एक तो मम्मी के फोन में हमेशा भगवान के गाने चलते रहे हैं, वो हमारी वीडियो कॉपीराइट मार दे, मैं काश कि इस तेरे फोन में ना इस खुशबू से पता चल जाता, सब्जी भी बढ़िया बनानी आवे, अंडी ने रोटी भी बनानी आवे, तो हम बेइज्जती करते रहो दोनों भाई। मैंने कब बेइज्जती करी भाई, भाई मैंने कभी बेइज्जती करी, मैं तो हमेशा मम्मी चटनी बनावे है, हां तो मैंने तो हमेशा नु कहया कि मम्मी की आज की चटनी भी इतनी स्वाद लगे कि क्या स्वाद लगे, पर मम्मी आज इतना बड़ा पाप होते से बचा, पता क्या कहां गया था, मैं सोचो तो घर में एंट्री ना मिलेगी अगर ऐसा होगा तो। मम्मी जो कुछ भी बना रहे हो इतनी खतरनाक खुशबू आ रही है, अगर मैं तुम्हें इसके थ्रू सुंघा पाता ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाता। मम्मी मैंने तो ऐसा लगा अचार की हो, अचार और भाई जैसे जैसे जो आम का अचार होता है उसमें जो तेल वेल डले करे उसकी सी वैसी सी खुशबू आ रही थोड़ी थोड़ी। अभी देख भरवा कर रहे हैं, वो बनाऊं बैंगन। ओह हो, ये है आइटम सर, हम तेल में बना रहे हो, तेल में तक बढ़िया ना बने सब्जी, सरसों के तेल में अच्छी बने, ऐसा रह वै के यो तो दम अच्छा 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 मुझे लगा घी महंगा खानी चाहिए।
सरसों का तेल, सरसों का तेल। अच्छा मतलब महंगे से ना, महंगे सस्ते का, महंगे सस्ते का कोई रोल ना है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत डालडा और रिफाइंड बल्कि नुकसान करे, सरसों का तेल तिल का तेल कभी नुकसान नहीं करता। चलो फिर ठीक है, मैं तो बस नो ही सोच रहा हूँ, मैंने कहा मम्मी ने महंगे चक्कर में ना बनाई। चलो बहुत दिन हो गए वीडियो डाले, मैं आज दिन में डालता व्लॉग, पर मैंने फिर मैंने ज्यादा शूट भी ना कर रखा था, और फिर मैंने सोचा कि मम्मी ने अपने चैनल पर व्लॉग डाला है तो फिर मैंने इस चक्कर में डाला। जिसने नहीं देखा जाकर देख रहे हैं, दा शर्मा फैमिली मम्मी के चैनल पर व्लॉग आ चुका है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, मैं नहा लेता हूं फाइनली दो दिन के बाद, और फिर कुछ खाऊंगा, बहुत तेज भूख लग रही है, प्लस मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। स्कॉर्पियो का जो अपना काम था वो सारा हो चुका है मोटा मोटा, अब इसमें कुछ ना करवाना, बहुत पैसा लग चुका है इसमें और कुछ ना करना, मतलब छोटे मोटे कुछ आएगा याद तो देखेंगे। जैसे वो जतिन कह रहा था पीडा से रखा जो आगे उसकी जगह खाट लगवाने की, या फिर बताना एक दो छोटे मोटे चेंज होंगे तो करते रहेंगे साथ साथ। पर फिलहाल के लिए फाइनल है ये हबीबी वाली, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।